Love Shots by Love Guru, only on Radio City. Hi, मैं हूँ लव गुरु और आज की लव शॉट्स का नाम है The Lost Love. ये सच्ची कहानी है विशाल और सृष्टि की. 18 दिसंबर 2013 रात के 11 बज रहे थे और विशाल एज यूजुअल अपनी डेस्क पर बैठे थे. विशाल जो एक एमएनसी में आईटी सपोर्ट में थे, अक्सर उनकी नाइट शिफ्ट्स होती थी. फोन की घंटी बजती है, विशाल आंसर करते हैं. सामने से आवाज आती है, एक कॉफी मिलेगी A24 पर, आई एम वेरी टायर्ड. सामने से आई वो आवाज विशाल के कानों में एक चाशनी सी थी. विशाल अपनी डेस्क से उठे, पैंट्री में गए, एक कैपुचिनो बनाई और उसे लेकर सीट नंबर A24 तक गए और कहा, मैम कॉफी. सृष्टि ने नजर उठाई, सामने एक बड़ा ही हैंडसम, बहुत ही डैशिंग और बहुत ही चार्मिंग इंसान हाथ में कॉफी लिए खड़ा था. सृष्टि हिचकिचाते हुए बोली, आई एम सॉरी. विशाल ने सृष्टि की आंखों में देखा और कुछ पल के लिए आसपास सब रुक सा गया. विशाल बोले, एक्चुअली मैं आईटी सपोर्ट में हूं. माय नेम इज विशाल. आपका कॉल मेरे पास आया था. मैंने पैंट्री में कॉल किया, कोई था नहीं, तो सोचा मैं ही आ जाता हूं. सृष्टि ने स्माइल किया, सॉरी कहा. सृष्टि ने कहा उन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, कुछ खास आइडिया नहीं है एक्सटेंशंस के बारे में, तो उन्होंने अपने कॉलीग से पूछकर कॉल कर दिया. ये विशाल और सृष्टि की पहली मुलाकात थी. इत्तफाकन कॉफी पर वो पहली मुलाकात बड़ी ही दिलचस्प थी. विशाल और सृष्टि हर रोज ऑफिस में मिलते, एक दूसरे से हाय हेलो करते, नाइट शिफ्ट्स में अक्सर थोड़ा सा टाइम निकाल करके एक दूसरे के साथ कैफेटेरिया में कॉफी पीते. विशाल को सृष्टि की बातें बहुत अच्छी लगने लगी थी. सृष्टि भी कहीं ना कहीं मन ही मन विशाल को लाइक भी करने लगी थी, पर मन में कहीं ना कहीं ये था कि अट्रैक्शन है, थोड़ा धीरे चलना है. 30 दिसंबर 2013 ऑफिस के गेट पर सृष्टि खड़ी थी अपने फोन के साथ. विशाल ने दूर से देखा, अपनी गाड़ी रोकी, शीशा नीचे करते हुए पूछा, मैं आपको ड्रॉप कर दूं? सामने से जवाब आया, हां व्हाई नॉट. सृष्टि का घर ऑफिस से केवल 5 मिनट की दूरी पर ही था. इससे पहले कि ज्यादा बातें हो पाती, सृष्टि का घर आ गया. सृष्टि थैंक्स बोलते हुए गाड़ी से उतर गई और कहा, कल मिलते हैं. विशाल ने कहा, पर कल तो छुट्टी है, आई हैव नो प्लान्स. सृष्टि भी मुस्कुराते हुए बोली, सेम हियर, कैन वी मीट फॉर अ कॉफी. और दोनों ने डिसाइड किया कि न्यू ईयर ईव साथ में ही सेलिब्रेट करेंगे. दोनों मिलने लगे, बातें होने लगी. रात को अक्सर ऑफिस खत्म करके दोनों लॉन्ग ड्राइव्स पर जाते, घंटों टाइम स्पेंड करते. धीरे धीरे प्यार भी हो गया. वैलेंटाइंस डे आया, विशाल ने सृष्टि को प्रपोज किया. सृष्टि भी बहुत खुश थी. समय बीतता गया, दिन बीतते गए, रातें गुजरती गईं. ये रिश्ता दिन ब दिन खूबसूरत होने लगा था. दोनों को डेट करते हुए 1 साल हो चुका था. एक परफेक्ट रिश्ते में और एक परफेक्ट कपल में जो भी होना चाहिए वो सारी खूबियां इन दोनों के रिश्ते में थी. एक लाजवाब अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही खूबसूरत सी कंपैटिबिलिटी, एक दूसरे को जिंदगी भर खुश रखने का एक जज्बा. वो एफर्ट्स दोनों की ही तरफ से बड़े साफ नजर आते थे. रात के करीब 1:30 बज रहे थे, विशाल का फोन बजता है. सामने से आवाज आती है, हेलो, क्या आप सृष्टि के रिलेटिव हैं? विशाल को बड़ा अजीब लगा. थोड़ी देर के लिए रुके और फिर जवाब दिया, हां क्यों, क्या हुआ? सामने से आवाज आई, सृष्टि का एक्सीडेंट हो गया है और वो अनकॉन्शियस है. विशाल ने तुरंत पूछा, सृष्टि ठीक तो है ना? सामने से जवाब आया, सिचुएशन क्रिटिकल है, कुछ कह नहीं सकते, आप हॉस्पिटल आ जाइए. विशाल ने गाड़ी उठाई, सीधा हॉस्पिटल की तरफ दौड़े. डॉक्टर्स ने बताया कि सृष्टि को सर पर काफी चोटें आई हैं. विशाल ने पूछा, क्या मैं प्लीज उसे देख सकता हूं? डॉक्टर्स ने कहा, अभी नहीं, इंतजार करिए. लगभग 3 दिन बाद सृष्टि को होश आया. तब तक सृष्टि के पेरेंट्स भी आ चुके थे. विशाल की हालत उनसे भी नहीं देखी जा रही थी. डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप सृष्टि से मिल सकते हैं. विशाल दौड़कर आईसीयू की तरफ गए. सृष्टि ने विशाल की तरफ नजर उठाई. विशाल ने नर्म सी आवाज में पूछा, कैसी हो?
सामने एक अजीब सी साइलेंस थी। सृष्टि के चेहरे पर एक सवालिया निशान था। सृष्टि ने पूछा, आप कौन? विशाल अपने आप को संभाल नहीं पाए, पर फिर भी मजबूती से सृष्टि के सामने अपने आप को खड़ा करते हुए बोले, मैं विशाल, आईटी सपोर्ट, कॉफी, याद है कुछ? सृष्टि ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी मम्मी की तरफ देखा और आंखों से आंसू बह निकले। विशाल को तब तक समझ आ चुका था कि सृष्टि ने अपनी याददाश्त खो दी है। डॉक्टर्स ने बताया कि मेमोरी लॉस है, याददाश्त वापस आएगी भी या नहीं कुछ कह नहीं सकते। विशाल ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी। लगभग 20 दिन सृष्टि हॉस्पिटल में थी। दिन रात सृष्टि के लिए हॉस्पिटल में डटे रहते थे। हर रोज सुबह फूलों का एक गुलदस्ता लेकर आते थे, मुस्कुराते थे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे। यह सिलसिला चलता रहा। लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद सृष्टि ने ऑफिस ज्वाइन किया। विशाल मुस्कुराते हुए उनकी सीट पर गए और बोला, मैम कॉफी, आज आपने ऑर्डर नहीं किया तो क्या हुआ? बट यू नीड इट। विशाल कहते हैं कि आज भी जब उन लम्हों को कभी याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे सामने से मेरा प्यार जा रहा था। मैं बड़ा बेबस था, लाचार था। पर कहते हैं ना कि जब दिल सच्चा हो तो मिरेकल्स भी हो जाते हैं। 6 महीने बाद सृष्टि की याददाश्त वापस आई। सृष्टि पूरे तरीके से अच्छी हो चुकी थी। अगले 6 महीने में दोनों ने शादी कर ली। दोनों बहुत खुश हैं। बताते हैं विशाल कि सृष्टि के लिए उन्होंने क्या वो छोटी छोटी चीजें की। सृष्टि भी सुनकर मुस्कुराती हैं, विशाल की तरफ देखती हैं और सोचती हैं कि क्या इतना भी कोई प्यार कर सकता है। मोहब्बत जब सच्ची हो तब आप अपने प्यार के लिए डटे रहते हैं, परिस्थितियां चाहे जैसे भी हों। विशाल और सृष्टि की कहानी में भी कुछ ऐसा ही था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी मैं यहां लव शॉट्स में सुनाऊं तो मुझे शेयर करिए अपनी लव स्टोरी। सिटी स्पेस लव लिखकर 8454911911 पर व्हाट्सएप करिए और सुनते रहिए लव शॉट्स बाय लव गुरु ओनली ऑन रेडियो सिटी।